अभी देखना ये जादू से खुलेगा। खुल जा सिम सिम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आज हम लोग लंच करने के लिए बाहर आए हुए हैं मस्जिद अम्मार में। पता नहीं आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, पर यहाँ पे काफ़ी शोर है और इस वक्त बहुत रश है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये सिचुएशन है, यहाँ पे पूरी मॉस्क भरी हुई है, काफ़ी सारे लोग हैं। हमने आज डिमसम्स खाने थे, हम लोग इसीलिए पहले भी आ गए। अभी तकरीबन 1 बज रहा है और डिमसम्स ख़त्म हो चुके हैं। उसके अलावा फाहद के फ्रेंड हैं यहाँ पे, वो और उनकी वाइफ, उनको भी हमने इनवाइट किया है, तो थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। और बस अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना है, और वो लोग एक दफ़ा आ जाए फिर हम लोग ऑर्डर करते हैं। हम लोग ने एक ये ऑर्डर करना है, राइस विथ स्लाइस बीफ एंड वेजिटेबल्स, और साथ में ये क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स विद स्लाइस चिकन। पे नमाज़ पढ़ने की भी जगह थी और अभी हमने नमाज़ पढ़ी है, और अभी बस हम नीचे जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखें एनी भी आ गई है ना, काफ़ी डिले हो गया है और अभी तक पता नहीं कब तक आएगा, तो चॉकलेट से गुजारा करना पड़ेगा। ये हमने ऑर्डर नहीं किया था पर वो हमें देके चले गए, तो वी डिसाइडेड टू कीप इट। हमने एक नूडल कैंसिल करा दिए थे, साथ में ये एक हमने ये वाली डिश थी बीफ के साथ, और दो हमने चिकन के साथ ऑर्डर किए थे। ये बाद में जब ये नूडल आए तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, और फिर हमने शुक्र किया कि पहले वाले नूडल्स हमने कैंसिल करा दिया। ये जो मैं डाल रही हूँ ये चाइनीज़ टी है, ये बहुत मज़े की होती है। इसके लीव्स में इतना अर्क होता है कि केटल में ये लीव्स डालते हैं और बार बार इसको रीफिल करने के लिए बॉइल्ड वाटर डालते हैं, और ये खुद ही से चाय बन जाती है जो कि बहुत मज़े की होती है। और ये जो फ्राइड क्रिस्पी चिकन है ये बहुत मज़े की है, मैं हमेशा ये ऑर्डर करती हूँ। यहाँ से मस्जिद से निकल रहे हैं और ये कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। ये भी कुछ मीठा खाने के लिए जाएँ या फिर देखें कहीं घूमते हैं। हाँ घूमेंगे हम लोग या कहीं जाएंगे मीठा खाने के लिए? ओके, पैसिफिक कॉफ़ी ब्राउनीज खाने के लिए। और इस वक्त एनी और मैं दोनों मसरूफ़ हैं अपने अपने मोबाइल्स पे वीडियोस बना रहे हैं। ये एज़ यूजुअल हर जगह स्कैनिंग करनी पड़ती है, तो अभी हम स्कैन करेंगे फिर हम अंदर जाएंगे। ट्राई कर रहे हैं हम ब्राउनीज। yes. ये वाली बहुत मज़े की है। ओके, इट्स वेरी क्रम्बली लेकिन है बहुत मज़े। तो हम लोग ये हैंडमेड ब्राउनीज लेने लगे हैं, और इनके पास और कौन से ऑप्शन हैं? ये वाला है एक, और सिर्फ एनी और मैं ब्राउनीज खाने लगे हैं। फाहद और शम्स भाई का कोई मूड नहीं है ब्राउनीज खाने का क्योंकि हम दोनों का स्वीट होता है और इन लोग का नहीं है। आई डोंट नो, पता नहीं लड़कों को क्यों नहीं पसंद होता मीठा। नो आइडिया, है ना? ज़िंदगी उसके बगैर ठीक ही है। एग्जैक्टली। और साथ में हमने हेज़लनट कॉफ़ी ली है, और अभी हमारी कॉफ़ी आ रही है, एनी लेने के लिए गई हुई है। देखें अरे क्या नाम है इस कॉफ़ी का, मैं भूल गई फिर से। हेज़लनट लाटे। हेज़लनट लाटे, ओके। और ये ब्राउनीज कौन से हैं? हैंडमेड वॉलनट ब्राउनीज। यहाँ बड़ा फ़नी सीन हो गया था, हम दोनों ने अपना मोबाइल रखे हुए थे शॉट बनाने के लिए, और इधर ये दो बंदे आए थे थॉट के ये लीव होम ऐप स्कैन करने के लिए, यहाँ रखा हुआ है फ़ोन और ये इसमें स्कैन करने लगे थे। पीछे हमें हंसी आ रही थी, इसके बाद हम दोनों ने अपने फ़ोन हटा लिए यहाँ से। यहाँ पे अभी बैन लिफ्ट हुआ है और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग घूमना फिरना इंजॉय कर रहे हैं, और हमने भी प्लान किया हुआ था कि हम मूवी देखने जाएंगे मल्टीवर्स। आप लोग को पता हो कि ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसकी सीरीज़ की मूवी है, तो ये हम लोग ने अभी देखने के लिए जानी है। और यहाँ से अगला स्टेशन है लॉन्गपिंग से आगे यून लॉन्ग, तो वहाँ पे मॉल है यूहो मॉल और इसके अंदर सिनेमा है, तो अभी हम वहाँ जाने लगे हैं। इस वक्त बिल्कुल रात हो चुकी है, 9:30 हो रहे हैं और ट्रेन का हम वेट कर रहे हैं। और हम लोग ने ये भी देखना है कि मूवी भी इंग्लिश में हो, पता चले चाइनीज़ में हो आगे और कुछ समझ ही ना आ रही हो। ये स्क्रीन से दूर सीट्स हैं, तो ये बता रहे हैं कि कितनी दूर हैं, और 10% जो है ना वो डिस्काउंट भी है कार्ड्स पे। और जो नेक्स्ट शो है वो 9:55 का, उसके हमने टिकट्स ले लिए हैं। टिकट्स पर पर्सन जो चार्जेस हैं उसके वो हैं 95 इश्करी,
जो कि पाकिस्तानी 2300 बनते हैं, और 10% डिस्काउंट के बाद अगर आपके पास यहाँ के क्रेडिट कार्ड्स हैं जो उन्होंने मेंशन किए हुए थे, तो उसके बाद जो डिस्काउंट है वो $85 बन गया है, विच इज़ अराउंड 2000 एंड वेरी रीजनेबल। नो ईटिंग और ड्रिंकिंग इज़ अलाउड इन साइड द हाउस। तो फिर फ़ायदा क्या अगर अंदर जाके खा नहीं सकते तो? ओके, तो हमने जाना है हाउस ट्री में। ये हमारे इस पे हाउस ट्री लिखा हुआ है। अभी तक मूवी स्टार्ट होने में टाइम है और यहाँ पे सिनेमा कुछ यूँ है। मूवी का मुझे कख नहीं पता आगे पीछे, बस मैं बात की वजह से आ गई हूँ क्योंकि मैं मूवीज़ बहुत कम देखती हूँ, और इस तरह की मूवीज़ ना मुझे वैसे इंटरेस्ट होता है अगर कोई स्टोरी समझा दे। मेरी वैसे सारी जो कज़न सिस्टर्स हैं राप्या सुंदर्स, ये लोग देखते हैं तो ये लोग हमेशा मुझे समझाते रहते हैं। और मेरा एक मसला है मूवीज़ के मामले में, मेरी जो मेमोरी है वो गोल्ड फिश टाइप की, और मैं फ़ौरन से भूल जाती हूँ और फिर मुझे याद नहीं होता उसके बाद। अभी तक लोग आ रहे हैं, अंदर पॉपकॉर्न नहीं खा सकते, मास्क नहीं उतार सकते, लेकिन मुझे वीलॉग बनाना होता है तो मैं हर जगह थोड़ी थोड़ी देर के लिए उतार के रिकॉर्ड करके दोबारा से मास्क पहन लेती हूँ। और हमने आज घर पे पिज्ज़ा खाया है, और अच्छा हुआ खा के आए हैं, वरना तो यहाँ पे भूख लगनी थी, वरना मैं सोच रही थी यहाँ के पॉपकॉर्न्स खाऊँगी। बस खैर, मूवी स्टार्ट होते ही पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए इन्होंने, खाना पीना नहीं है, मास्क नहीं उतारना और अपनी जगह पर बैठना है। ओके डन। ख़त्म हुई है, बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी, बहुत मज़ा आया, और रात के 12 बज रहे हैं। अभी हम लोग जल्दी जल्दी भाग भाग के जा रहे हैं MTR, क्योंकि देखते हैं पता नहीं ट्रेन खुली है या नहीं। आते आते मैंने टाइम पूछ लिया था और उन्होंने कहा लास्ट ट्रेन 12:58 की होगी, 12 बज के मतलब तकरीबन 1 बजे की। तो अभी हम लोग रात के 1 बजे घर जाने लगे हैं। ये देखें जी, मॉल सारा बंद हो चुका है, और MTR का रास्ता कहाँ पर है? वहाँ पे था शायद, लेकिन अभी तो आधे रास्ते भी बंद हुए। मैं पता नहीं कहाँ से आए थे, वहाँ से आए थे शायद। उस टाइम पे तो दुकानें खुली हुई थी तो कुछ रास्ता समझ आ रहा था, अब तो सब कुछ बंद हो चुका है, कुछ समझ नहीं लग रही कि कहाँ से गुजर रहे हैं हम लोग। हेलो, तो हम लोग यूनलोंग आए हुए थे, ये देखिए सामने यूनलोंग स्टेशन है। शुक्र है ट्रेन के आने में टाइम है अभी, और हम सही टाइम पे पहुंच गए हैं, अदरवाइज ट्रेन भी मिस हो जाती। तो फाइनली वी मैनेज टू गेट टू द स्टेशन ऑन टाइम, और बस अभी ट्रेन आने वाली है। रात के टाइम पे ज़रा इंटरवल बढ़ जाता है ट्रेन के टाइमिंग्स का, तो अभी एक ट्रेन थोड़ी देर में आ जाएगी और हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।